ये जो मैच रहने वाला है ये 22 अक्टूबर को है, तो अगर आप भी टिकटें ऑफलाइन लेना चाहते हो, ऑनलाइन तो वैसे महंगी होंगी इस टाइम पे, बाकी मैच की इन्फॉर्मेशन आपको लग गई है पता कि 22 अक्टूबर के दिन ये 2 बजे मैच स्टार्ट होने वाला है, और ये जो मैच है इंग्लैंड न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में रहने वाला है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज का जो मौसम है काफ़ी अच्छा हो रखा है, और पीछे आप देख रहे होंगे मेरे पीछे पहाड़ है। और आज का जो ब्लॉग रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है, बिकॉज जैसा कि आपको पता होगा कि अभी धर्मशाला में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पर वर्ल्ड कप के मैचेस चले हुए हैं। तो आज का जो ब्लॉग है जो इंडिया वर्सेज़ न्यूजीलैंड का मैच रहने वाला है 22 अक्टूबर को, उसी के रिगार्डिंग मैं ये ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। मैं इस ब्लॉग में बताऊँगा आपको कि टिकटों की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या रहेगी, और ये जो मैच है ये किस टाइम पे रहेगा, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग में मिलने वाली है। तो प्लीज़ ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं धर्मशाला से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर आ गया हूं, और इस जगह का नाम है इंद्रुनाग। और अभी आपको मैंने जो क्लिप्स दिखाई ये स्टेडियम के थे, आज भी वहां पे मैच चला हुआ है, बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड का मैच चला हुआ है, बट वो देखने लायक है नहीं। जब अपना मैच होगा न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का, वो भी देखने लायक काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यार ये जो इंग्लैंड अपना न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में जो मैच होने वाला है 22 अक्टूबर को, ये 2 बजे से स्टार्ट होगा। और टिकट की इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो यार टिकटों की जो इन्फॉर्मेशन है वो 18 अक्टूबर तक लग जाएगी पता, बिकॉज ऑनलाइन मैंने बुक माई शो में पता किया था, वहाँ पे 30,000 के प्राइजेस बता रहा है टिकट के, वो तो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। बट कुछ चीपेस्ट प्राइजेस होंगे, जैसे 2,000 से लेके समथिंग 30,000 तक जितने प्राइजेस होंगे, मिनिमम जो 1,000 से लेके 2,000 जितना की प्राइज़ होगा, वो आपको 18 अक्टूबर के दिन जब भी काउंटर यहाँ पे धर्मशाला स्टेडियम में खुलेगा तो उस टाइम आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पे टिकट का प्राइजेस वगैरह कितने हैं। अभी टिकट के प्राइजेस वगैरह जो हैं वो अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि यार ये जो न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का जो मैच है ये काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांडेबल है, और इसकी जो टिकटें हैं 2-3 महीने पहले से ही बुकिंग होना स्टार्ट हो गई है, इसी वजह से ऑनलाइन टिकटें जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी शो हो रही हैं। ये जो मैच रहने वाला है ये 22 अक्टूबर को है, तो अगर आप भी टिकटें ऑफलाइन लेना चाहते हो, ऑनलाइन तो वैसे महंगी होंगी इस टाइम पर, क्योंकि जो छोटी लेवल की टिकटें हैं वो आपको मिल नहीं पाएंगी, बट जो बड़े लेवल की टिकटें हैं वो तो आपको मिल जाएंगी 30,000 तक। और अगर आप ऑफलाइन टिकटें लेना चाहते हो तो 18 तक ये काउंटर वगैरह खुलेंगे, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि 18 अक्टूबर तक ये काउंटर वगैरह खुलेंगे और यहाँ पे आपको टिकटें अवेलेबल हो जाएंगी। अभी आप सामने का व्यू देख सकते हो, ये सारा धर्मशाला का व्यू है, और अभी आप सामने देख रहे होंगे यहाँ पे आपको स्टेडियम भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अभी बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड का मैच चला हुआ है, और ये जो मैच है 10:30 बजे से स्टार्ट हो चुका है, और अभी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ का व्यू है। जब 22 अक्टूबर के दिन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच होगा तो काफ़ी यहाँ पे भीड़ वगैरह होगी, क्योंकि ये जो मैच है काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांडेबल है, और जैसा कि आपको पता कि अपने टीम इंडिया का मैच होगा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दर्शक आए होंगे। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी मैच की और टिकटों की। अगर आपने टिकटें बुक करनी होगी, आप 18 अक्टूबर के दिन यहाँ पे काउंटर खोलेंगे तो आप यहाँ पे पता कर सकते हो, बाकी मैच की इन्फॉर्मेशन आपको लग गई है पता कि 22 अक्टूबर के दिन ये 2 बजे मैच स्टार्ट होने वाला है, और ये जो मैच है इंग्लैंड न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में रहने वाला है, तो प्लीज़ इस मैच को ज़रूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं गाइस और भी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अल्टीमेट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।